के बारे में तो मैंने जो यहाँ पे रिसेंट uh, अपना बाय किया है मैंने बहुत ज्यादा यू नो परचेजिंग नहीं की है बिकॉज मैं ऐसा मानती हूँ कि जो चीजें आपके पास है आप उसे ही पहले खत्म करे उसे फिनिश करें एंड उसके बाद ही आप कोई न्यू प्रोडक्ट यूज़ करें तो जो मैंने अभी रिसेंट मैं आपको जो अभी अपने हॉल में शेयर करने वाली हूँ वो वही सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे रियली भी नीड थी बिकॉज कुछ आइटम्स हैं थे जो मेरे ख़त्म हो गए थे कुछ आइटम्स थे यू नो जो मेरी ज़रूरत थी तो मैंने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा यू नो वेस्ट ऑफ मनी मैंने यहाँ पे नहीं किया है सिर्फ और सिर्फ अपनी नीड के ही मैंने यहाँ पे बाय किया है तो एक कुछ आइटम्स मैंने यहाँ पे जो बाय किए हैं तो मैं आज आपके साथ वो शेयर करने वाली हूँ उनका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ उनकी प्राइजिंग उनकी डिटेलिंग सब कुछ तो चलिए अपना हॉल यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं हम बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेंगे बिकॉज थोड़े ही आइटम्स हैं एंड लेट्स गेट स्टार्ट इन सो सबसे पहले जो मैंने आइटम यहाँ परचेज किया था दिस वन इज़ फ्रॉम बायोटिक का नाइट क्रीम मेरे पास कोई नाइट क्रीम नहीं थी इवन मैं आ, अगर आप मेकअप करते हैं तो आपको स्किन केयर करना जरूरी है जो मैं डे क्रीम यूज़ करती हूँ वो भी बायोटिक की है मॉर्निंग नेक्टर आपने मेरे काफ़ी वीडियोस में भी देखा होगा तो बायोटिक के जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना ये हंड्रेड परसेंट आयुर्वेद होते हैं आई मीन मैं ऐसा मानती हूँ बिकॉज मुझे ये प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं एंड इसके ऊपर लिखा भी हुआ है हंड्रेड आयुर्वेदिक रेसिपी ये है बायोवीट जम यूथफुल नरिशिंग नाइट क्रीम फॉर नॉर्मल टू dry तो so, ये है ऑर्गेनिकली प्योर एंड प्रिजर्वेटिव फ्री डर्माटोलोजिट टेस्टेड फॉर सेफ्टी एंड इस नाइट क्रीम में विटामिन ए बी सी डी ई e के सारे एक्सट्रैक्ट मौजूद हैं जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है इसके रिव्यूज बहुत अच्छे थे एंड इसको यूज करके मुझे बहुत अच्छा लगा तो ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है आ, इसका कॉस्ट है रुपीज टू थर्ज तो ये एक छोटी सी बॉटल है आई मीन फिफ्टी ग्राम्स का है ये प्रोडक्ट आपको क्या करना है रात को जस्ट नॉर्मली अपना फेस क्लीन करके इसको अप्लाई करना है इसका जो टेक्स्चर है आई मीन काफी क्रीमी है बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता है स्किन को इसका जो फ्रेग्रेंस है जस्ट लाइक मॉर्निंग नेक्टर अगर आपने बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर वाला मॉइस्चराइजर यूज़ किया है एंड तो बिल्कुल ना स्टिकीनेस नहीं है बिल्कुल लगाने के बाद ना आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है एक हल्का सा शाइनी इफेक्ट भी आपको लगेगा यूनो टू हंड्रेड में अगर ये आपको मिल भी जाता है तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है महीनों महीनों अच्छा चल सकता है ये पाँच छः महीना आपका ये प्रोडक्ट कहीं नहीं जाने वाला तो इसके बाद आते हैं हम अपने हेयर केयर पे लास्ट टाइम जो मैंने आपको हॉल में शेयर किया था मैट्रिक्स का सिरम शेयर किया था नाउ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैट्रिक्स का हेयर स्पा जो क्रीम होती है ना स्पा की क्रीम तो ये इस तरह की पैकेजिंग में ये आया था जो मैंने अभी तक ओपन नहीं किया है मैं आपके सामने ही आज इसे ओपन करने वाली हूँ तो, तो मैंने इसे ओपन कर लिया है ये है मैट्रिक्स का बायोलेट स्मूथ प्रूफ स्मूदनिंग मास्क तो मैंने जस्ट इसका एक रिव्यू देखा था मैट्रिक्स का स्मूथ प्रूफ फॉर फ्रिजी हेयर स्पेशली ये फ्रिजी हेयर्स के लिए हेयर मास्क है एंड इसको लगाने के बाद आपके हेयर्स एंटी फ्रिज स्मूथनेस देते हैं एंड स्मूथ प्रूफ हो जाते हैं <laughs> ऐसा इस इसमें लिखा है यह आपके यू नो स्कैल्प को आपके हेयर्स को डीप नरिशमेंट देता है एंड जितने भी आपके हेयर्स में फ्रिजीनेस है उसको कंट्रोल कर है हेयर्स में जो वॉल्यूम रहता है वो थोड़ा स्मूद हो जाएगा तो इसमें लिखा है कि आपको अपने हेयर्स को टू सेक्शन में डिवाइड करके 15 मिनट्स के लिए इस मास्क को अप्लाई करना है एंड लेयर बाय लेयर अप्लाई करना है मैंने पहले भी मास्क यूज किए हुए हैं तो हेयर्स को ना इतने इतने सेक्शंस में लेके आप जस्ट इस मास्क को ऐसे अप्लाई करें एंड 15 मिनट्स इसमें लिखा है 15 मिनट्स तक इसको अप्लाई करके बाद आप, आप आ, स्टीम भी ले सकते हैं आपको जो हेयर्स में स्टीम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है आप स्टीम भी ले सकते हैं अगर आप स्टीम नहीं ले पाए गुनगुना पानी होता है ना बिल्कुल ल्यूक ल्यूफॉर्म वाटर उससे आप अपने हेयर्स को वॉश कर लीजिए एंड टू तो थ्री डेज तक आपको शैम्पू नहीं करना होता मैंने पहले जो किए हैं तो इसलिए मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस है कि मास्क कैसे यूज़ करते हैं एंड मैंने काफ़ी टाइम से कोई हेयर स्पा यूज़ नहीं किया था तो आई थॉट कि इसको एक ट्राई दिया जाए इसका कॉस्ट है रुपीज़ फाइव सेवेंटी फ़ाइव एंड आई थॉट मैंने इसको साढ़े पाँच सौ रुपये या फाइव फिफ्टी रुपीज़ या थोड़ा सा ऑल लेस में मैंने इसको लिया नेक्स्ट आते हैं हम ब्यूटी ब्लेंडर पर तो मेरे पास ये ब्यूटी ब्लेंडर मैंने बाय किया है दिस वन इज़ फ्रॉम मिनीसो मिनीसो जो है मिनीसो के प्रोडक्ट्स अब अमेजोन पे भी मिलने लगे हैं एंड इसका सबसे अच्छा मुझे ना ये पैकेजिंग रहेगा मतलब ये ना एक सेफ रहेगा आपका स्पॉन्ज कहीं नहीं जाने वाला अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो जैसे ब्रशेज़ में आपके किट के बीच में आपका यू नो स्पॉन्ज कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता तो इस तरह का ये केस एंड हार्ड केस है कोई ये हार्ड प्लास्टिक वाला केस है इस टाइप के शेप वाला स्पॉन्ज uh, नहीं था मेरे पास बेसिकली मुझे नीड थी अपने अंडर आई पे यू you नो know, जब मैं लूज पाउडर अप्लाई करती हूँ तो उसके लिए मेरे पास कोई इस शेप का ब्यूटी ब्लेंडर नहीं था एंड टू हंड्रेड रुपीज़ का ही ये है मिनिशो के प्रोडक्ट्स में कोई भी डिस्काउंट नहीं मिला है मुझे अमेज़ॉन से मैंने इसको अभी रिसेंट यूज़ किया है तो मैंने इसको ड्राई यूज़ किया है एंड आपने इस पर देखा होगा प्रोडक्ट लगा हुआ है लूज़ पाउडर मैंने अप्लाई किया था बहुत स्पॉन्जी है बहुत ही लाइट वेट है एंड सबसे अच्छा मुझे जो लगा है इसका ये पैकेजिंग जो ये हार्ड केस में इसका पैकेजिंग था यू नो एग शेप में इसका पैकेजिंग आप कहीं भी सर ट्रेवल फ्रेंडली है इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये पैक के छोटे छोटे दो ब्यूटी ब्लेंडर्स कंसीलर के लिए मेरे पास कोई ब्यूटी ब्लेंडर नहीं था तो ये नो छोटे वाले जो ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं जो आपके कंसीलिंग एरियाज यू नो इनर कॉर्नर के साइड हल्के से हल्के अच्छे से अच्छे हो जाए वैसे मेरे ब्यूटी ब्लेंडर से हो जाता है बट मैंने आपको बताया ना मुझे मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही परचेजिंग की है तो ये टू तो तो एटी फाइव रुपीज के हैं तो इसमें ये दो ब्लेंडर्स हैं इसकी ये शेप अगर आप देखें फ्लैट शेप है इसकी ये एंड ये वाला वाटर ड्रॉप शेप का है एंड बहुत ही स्पॉन्जी है आपकी कंसीलिंग एरियाज को बहुत अच्छे से ब्लेंड करता है नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने काफ़ी वीडियोज़ में बोला भी है यू you नो know, पहले से ही मैंने डिक्लेयर कर दिया है कि मैं एक कंटोरिंग किट लेने वाली हूँ तो मैंने यहाँ पे चूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड का कंटोरिंग किट तो ये डिफरेंट शेडेज में दो शेड आते हैं उसमें ये वाला कलर थोड़ा सा डार्क था ब्रॉन्जिंग कलर डार्क था एक ये लाइट था यही अवेलेबल था हर जगह चाहे वो नायका हो चाहे अमेजोन चाहे पर्बल डॉट कॉम हर जगह यही अवेलेबल था तो मैंने यही बाई कर लिया तो इसमें जो मुझे सबसे अच्छा लगा कंटोरिंग तो अच्छा है ही है ये वाला जो पाउडर है ना लूज पाउडर ये वाला यू you नो know, आपका पाउडर है एंड इसके पीछे जो डिटेलिंग आई है अभी तो इसके ऊपर स्टिकर्स हैं यही मैंशन किया है कि आप इसको के लिए आप इसको अपने फीचर्स को हाईलाइट करने के लिए यूज कर सकते हैं जो कि एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है आपको बार बार लूज पाउडर्स नहीं ढूंढने पड़ेंगे अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको लूज पाउडर नहीं कैरी करना पड़ेगा आप

ब्लेंडेबल अगर आप बिगनर हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है आप कौन सा कंसीलर लें तो इसको एक ट्राई जरूर दें बहुत ही अच्छा कंसीलर है एंड लॉन्ग लास्टिंग चीज है मतलब मेरा वो वाला कंसीलर आराम से डेढ़ साल चल नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मेरे पास है वो है वेरी हैंडी मेब्लिन का ये फिटमी का मैट प्लस फोल्डलेस कॉम्पैक्ट पाउडर इन द शेड वन वन टू नेचुरल आइवरी ब्लैक वाला पैकेजिंग है एंड इसमें ये पहले व्हाइट पैकेजिंग में आता था एंड ये बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट है एंड इसका कॉस्ट है रुपीज वन नाइनटी नाइन एंड शर्ट डेढ़ सौ रुपये में ये मुझे मिल गया था फेस को बिल्कुल ड्राई नहीं करता अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है एक फ्रेशनेस जो कहते हैं ना स्किन में वो दे देते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये है एले कलर्स का आई लाइनर ब्लैक आई लाइनर प्राइस आई थिंक टू फिफ्टी के आसपास था मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगी एंड इट इज़ लाइक बहुत ही थिन टीप है क्वान्टिटी भी काफी अच्छी है एक अच्छी बॉटल है इसकी एंड सूखने के बाद ये बिल्कुल ही यू नो ब्लैक शेड देगा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है ना मेरा ये वेड एंड वाइट का वाइट काजल आई लाइन पेंसिल uh, मेरे पास काफी अच्छे अच्छे कलर्स के लाइनर्स हैं अच्छे अच्छे कलर्स के काजल हैं बट एक वाइट कलर मिसिंग था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी किट में क्योंकि वाइट काजल आपके आइज़ को और बिगर बनाता है एंड बहुत अच्छा लुक आता है एंड डिफरेंट तो होना ही चाहिए डिफरेंट शेड्स तो होना ही चाहिए तो ये मेरी यू नो अपने मेरे वैनिटी में ये मिसिंग था तो मैंने इसको बाय किया ये इसका कॉस्ट रुपीज़ वन थर्टी फाइव है एंड मुझे ये वन थर्टी फाइव नहीं इसका कॉस्ट है रुपीज़ वन नाइन्टी फाइव एंड मुझे ये वन एट्टी शायद के आसपास मिला होगा वन थर्टी फाइव वाला ब्राउन वाला था ब्राउन ब्लैक जो शेड्स हैं वो हैं वन थर्टी फाइव के तो ये है वन फाइव का एंड काफ़ी बिग पेंसिल है आपका काफ़ी अच्छे से चलने वाली है नेक्स्ट मेरे पास ये ईवा हलाल की मरून लिपस्टिक मेरे पास एक मरून लिपस्टिक नहीं थी मेरी वैनिटी में एंड इसके रिव्यूज बहुत अच्छे थे इसके कॉस्ट है रुपीज टू हंड्रेड टेन एंड मैंने इसको शायद वन सेवेंटी फाइव या वन फिफ्टी में इसे खरीदा था इसका टेक्स्चर थोड़ा सा क्रीमी है तो ये इस तरह के सिंपल पैकेजिंग में आता है बहुत अच्छा शेड है इसका आई रियली डोंट लाइक क्रीमी लिपस्टिक्स बहुत कम मैं लगाती हूँ आपने देखा होगा बट uh, अब ये आ गई है तो इसको मैं ट्राई करूँगी किसी ना किसी लुक में रियली में बहुत अच्छा मरून uh, शेड आप देख सकते हो जो कि मुझे चाहिए था जैसा शेड नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मेरे पास है वो है ये ब्लू हेवन का आईब्रो पेंसिल है बहुत इजीली uh, आपके आईब्रोज को फिल करता है जैसा शेप आपको देना है आप वो है। वैसा शेप दे सकते हैं ये कुछ सेवेंटी फाइव रुपीज़ के आसपास मैंने इसे बाई की, इस तो की थी तो सिक्सटी थ्री सिक्सटी फाइव ऐसे ही मैंने इसे परचेज़ की थी तो काफ़ी अच्छे से आपकी आईब्रोज को डिफाइन करता है वाटर रेसिस्टेंट है तो आई वाज नॉट श्योर कि ब्लू हेवन वाला प्रोडक्ट काम करेगा नहीं करेगा तो साथ ही साथ मैंने ये वेट एंड वाइल्ड का अपना आईब्रो केट मंगाया तो इसमें ये तीन शेड्स हैं एक आईब्रोज को क्लीन करने के लिए ही सबसे पहला वाला व्हाइट सा शेड ये थोड़ा क्रीमी सा शेड है ये लाइट ब्राउन शेड है ऑमब्रे कलर एंड ये है डार्क चॉकलेटी शेड तो मैं इसको और इसको मिक्स करके लगा लू छोटा सा ब्रश मिलता है एक साइड ब्रश है एंड दूसरे के साइड स्पूली सा मिलता है तो आप अपने आईब्रोज़ को यहाँ पे इस ब्रश से फिल भी कर सकते हैं एंड इससे कॉम भी कर सकते हैं एंड इसके साथ जो ये मिलता है आपका यू you नो know, आईब्रो प्लग और ये छोटू सा मुझे ये किट बहुत अच्छी लगी अगर आप आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आपके पास एक पूरा किट है आपके पास आईब्रोज से रिलेटेड आपको आईब्रोज से रिलेटेड और कोई प्रोडक्ट ब्रश स्पूली या एप्लीकेटर उठाने की जरूरत नहीं है आप इसको यूज़ कर सकते हो तो ये इसका कॉस्ट है रुपीज़ फोर नाइन एंड शायद मैंने कि फोर फिफ्टी में ही बाय किया होगा इसमें मेरे को ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिला एंड नाउ मेरे लास्ट प्रोडक्ट जो कि है मेरा ये फर्स्ट uh, ना मेबलिन का फिटमी फाउंडेशन इन द शेड 128 ट्वेंटी एट वॉम न्यूड जो कि मेरा ही शेड है इसमें पहले मैं बॉटल वाला यूज़ करती थी जो कि ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है तो मैंने इस वाली पैकेजिंग पे इन्वेस्ट किया है इसका कॉस्ट है रुपीज़ टू नाइनटी नाइन बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है इसका रिव्यू मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ यू भी प्रोटेक्टेड है ये आपकी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करता है नेक्स्ट है जो मेरे पास ये का नाइन टू फाइव प्राइमर प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन इन द शेड मेरा जो शेड है इस, uh, इस फाउंडेशन का जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि इसमें प्राइमर भी इंक्लूड है इसका कॉस्ट है रुपीज फोर इसका प्राइस है एंड इसको शायद मैंने साढ़े चार सौ में ही लिया था सो so गाइज uh, ये था मेरा छोटा सा स्मॉल मिनी अमेजोन हॉल सारे प्रोडक्ट्स मेरे ही नीड के अकॉर्डिंग बाय किए गए हैं इसमें सारे प्रोडक्ट्स मैंने एक एक बार यूज कर लिया है शायद एक दो प्रोडक्ट होंगे जो मैंने अभी तक यूज भी नहीं किए हैं जो प्रोडक्ट मैंने अभी तक यूज नहीं किए हैं उसका रिव्यू मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है या नहीं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं एंड गाइस अगर आप मुझे लॉन्ग टर्म से फॉलो कर रहे हैं तो थैंक यू सो 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 मच एंड अगर आप मुझे अभी तक फॉलो नहीं कर रहे हैं एंड आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें थैंक यू सो मच गाइज इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आई होप यू लाइक दिस वीडियो तो चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ टिल देन अ नाइस डे